हेलो गाइस वेलकम टू सैम गेमिंग अरे भाई ये ओल की माइक कब से हैं हेलो गाइस वेलकम टू सैम गेमिंग कस्टम मैच फोर गेस फॉर टुडे वी हैव अ ट्वेंटी वन टीम सिक्सटी नाइन प्लेयर्स रोइंगल का हमारा मैं प्लेन पार्ट नोबो पोरियानो टू जोर्जो पुल एंड टीम्स की बात करेंगे उससे पहले ही एक क्रैश की बात कर लेते हैं इस बार टीम रो आई है टीम टीजे से कॉम्पीट करने के लिए नोवोपोरियनोमो टीजे स्टार टीजे गब्बर में उनके उन्हीं के साथ में टीम रो के प्लेयर्स रो बॉन्ड लव एजन एंड योर डेड यहाँ लूट ले रहे हैं फिलहाल तो वो चारों ही प्लेयर्स एंड ऑन साइड बात करो मिल्टा पावर की तो वहाँ पर टीम्स मिल्टा की फैक्ट्री में अभी व्हीकल से ज्यादा नजर आ रहे हैं बाकी प्लेयर टीम डी का सोलो प्लेयर बाबू अपनी मिल्टा की फैक्ट्री लूट करता नजर आ रहा है वैनम हमेशा की तरह अपना फार्म का एरिया लूट करेगी सैजी हंटर साध फैजान के साथ सैजी <coughs> हंटर फैजान एंड महिम के साथ और टीम बात करो यहाँ पर टीम रेडिकल सॉरी टीम वन लाइफ वन लाइफ के दो प्लेयर्स नजर आ रहे हैं मुझे मिल्टा में और दो प्लेयर्स स्मॉल सिटी एंड टीम एच फोर के अभी के लिए व्हीकल देख रही है शायद शायसल इपोबगा ही कैरी करने वाली है वो टीम टी डब्लू भी वहीकल लेके अपने स्नाया पोलिया न जाने वाली है पोचिंग की बात करते हैं पोचिंग में आए स्पाइडर जो सोलो है उसके सामने आ टीम थंडर्स के तीन प्लेयर्स लेकिन फाइट होती है पहली मेजर्स की फ़ाइट मेजर जैद ने यहाँ पे मेजर जैद लेकिन नोक हो गए हैं एक नोक दिया था उन्होंने टीम नंबर अलेवन के प्लेयर को लेकिन मेजर्स वाले अपनी स्कारल के साथ एक नोक और ऑलमोस्ट दूसरा नोक भी निकाल सकते थे लास्ट एच पी में बचा हुआ है जैद नोक है क्लर काफ़ी लो हैं चीज़ का फायदा उठाते वाले गए हैं ओपन में बट वस की उनको पड़ेगी दस वाई होल्ड करेंगे एच फोर के वॉरियर टी डब्ल्यू एमबोट ओ पी को नोक कर देंगे टीम टी डब्ल्यू एस एच फोर के यहाँ पर एक वीक एक स्कैम होता हुआ दोनों ही व्हीकल्स का ट्राई कर रही थी उससे पहले लेकिन अपोनेंट की बात करो तो यहाँ पर गेट डाउन पदमाशल के वोरियर ने टी डब्लू ने ओपी को नोक निकाल दिया है टीम टी डब्ल्यू के थ्री प्लेयर्स नोक हो गए जोकर ओपी इज द लास्ट ओपी सर्वाइवल फोर टी टीम डब्ल्यू एम फोर है उसके पास बस काफ़ी दूर है चाली ओ पी यहाँ पे लास्ट एच पी बच्चे हुए हैं फोर के प्लेयर्स उन्हें स्पोर्ट कर रखे हैं जो करो पी को शॉट दे रहे मेरे तो सवाल होना था ए टी आर के हैकर वो करेंगे फिनिश ऑफ यहाँ से टी डब्ल्यू जो करो लास्ट प्लेयर बचा हुआ है टी आर की होकाई को पीछे से वन के रोक कर देंगे वो रियर अकेले हैं पीछे से रियोगा भी कर लेके आते हुए पड़ सकती है रियोगा को भी वैसे देखा जाए तो फिलहाल तो टीम एच फोर के प्लेयर्स के वॉरियर हैं अकेले शोट गन से किल कन्फर्मेशन लेने का ट्राई कर रहे हैं बट वो एक खराब सिचुएशन हो सकती है इतना ओपन में लेकिन रियोगा आते हैं बिना व्हीकल से बिना गन जी नहीं गन है उनके पास ये अभी पैंतालीस टीम टी डब्ल्यू का एलिमिनेशन टीम एच फोर के गिरती हुई पहले चार किल उन्होंने उठा लिए हैं एक डॉप क्लैश सॉरी डॉप क्लैश नहीं व्हीकल का लेने के लिए क्लैश था फ्ल राइट जो मेजर जैद का किल था वो उनका स्पोर्ट हो जाएगा लेकिन टीम वन एच पी भी आई है यहाँ मेजर अहमद ने नोक किया था के के को बट इंस्टेंटली धारा एक सौ बीस मेज़रहमद को नोक कर देंगे और खुद भी काफी लो है टेन एच पी ऑलमोस्ट बचे हुए हैं टीम मेजर अहमद का किल कन्फर्मेशन लेने के लिए धारा एक सौ आएंगे एम सिक्सटीन के साथ नोक करेंगे धारा एक सौ बीस वाले को और किल कन्फर्मेशन लेने का इंस्टेंटली ट्राई बट मेजर एजम का एक ओपी कवर फायर आता हुआ भाई यहाँ पे यहाँ स्पोर्ट हो जाएगा यहाँ से एक प्लेयर सोलो प्लेयर आता हुआ मेजर एजम उसको ट्राई करते हुए साइड बात करो टीम आ, लीजा यहाँ पर मौजूद हैं जी हाँ नहीं है शायद क्लर ऑफ लाइन आई थिंक सो so, टीम मेजर अभी डोमिनेट कर रही है अपना जो उनका जोर जो पुल का यहाँ ड्रॉप रहता है मेजर ज्यादा रिवावल दे रहे हैं सैली यानी कि एजम भी रिवावल दे रहे हैं वैसे देखी जाए तो सामने ही एक प्लेयर जो शायद वो मेजर एजम ने खेल ले लिया है तो रिवर मिल चुका है टीम मेजर के चारों ही प्लेयर्स यहाँ से खेलते हुए नजर आएंगे वन एच की टीम यहाँ से

या एल्फा या लासपी बच्चे हुए हैं फिनिश ऑफ हो जाएंगे स्टल का ट्राई जरूर था रिवाइव देने का बट हो नहीं पाएंगे पे अल्फ़ा का कल कन्फर्मेशन लेते हुए क्लर यहाँ अकेला प्लेयर बचा हुआ है क्लोज में मेजर हमाद का कल कन्फर्मेशन ले लिया क्लर ने या नो गैंड फिनिश ऑफ शायद से मेजर हमाद को डाल दिया गया यहाँ पर इससे पहले शहर से क्लर्क का किल नहीं था लेकिन यहाँ पर मेज़र के प्लेयर हम आ जा चुके हैं यानी कि किल कन्फर्मेशन हो कन्फिनिश ऑफ हो गया टीम मेजर है टीम मेज़र को उनका सपोर्ट भी मिल गया क्लर्क का दरसवाया यहाँ पे होल्ड क्लोज करते हुए नज़र आ रहे हैं मेजर्स वाले यहाँ पे अपने फर्स्ट एड शेयर होती है मेजर इजम की ओर से इज क्लर्जल्स रिवाइवल एंड बात करो टीम रेडिकल सॉरी टीम रो की तो वो रोटेशन डाल रही है टीम वैनम से मे भी उनकी फाइट हो सकती थी उस रोटेशन के बीच बट होगी नहीं अभी के लिए निकल रही है रेज की बात करो तो वो वही अपना वाटर सिटी एंड रोजोक का एरिया लूट कर रही है एंड टीम फोनिक्स वही अपना छोटे छोटे कंपाउंड्स ऑफ गटका का एरिया एंड टीम ट्रिंडी नहीं है टीम नशा लूट कर रही है ट्रिंडी के जो कंपाउंड्स वो रहते हैं वहाँ लूट करती है टीम वो फेरी पे लूट कर रही है आज क्लर लेकिन यहाँ पर एक प्लेयर और टीम मेजर का नॉक कर देंगे मेजर सोले गए नॉक डाउन लेकिन क्लर भी काफी लो है मेजर एजाम उनको अपना किल अपने प्लेयर का किल नहीं लेने देंगे इस बार हंटर रो एजन को नोक कर लेंगे और टीम वारम का हंटर ने रो एजन नोक किया है टीम वारम क्या बाकी प्लेयर्स उनको कवर देने के लिए आएंगे खैर सेजी आई थिंक सो आ चुके हैं हंटर के काफी क्लोज यहाँ रो के एजन नोक हुए यो डैड स्मोक कर रहे हैं वहां पर हंटर पूरा अपना स्पोर्ट लिए बैठे हैं व्हीकल के पीछे स्मोक किया गया है बचाने का ट्राई तो करेगी टीम रो अपने प्लेयर को रो एजन क्या पीछे कैरी करेंगे या यहाँ से ही रिवावल देने के लिए रो लाने वाले हैं पूरा थ्री एस लेके बैठे हैं रो एजन भी जगह हो जाते हैं यो डैड को स्पोर्ट करते हुए और टीम वैरम के हंटर को भी पढ़ते हुए यानी कि रो एजन को बचा लिया गया है यहाँ से योर डैड काफ़ी लो है डी पी ट्वेंटी एट के साथ यो रो लव ने यहाँ पे थोड़ा सा कवर फायर दिया था लेकिन रो बन की ओर से एक अच्छा कवर फायर मिला था उन्होंने वैनम हंटर को सपोर्ट कर रखा था अपनी एसकेएस के साथ लो भी काफ़ी किया था सेवनटी टाइम फिफ्टी फाइव प्लेयर स्टिल अलाइव एंड अभी के लिए जोन की बात करो तो या, या फाइट हो सकती है टीम एच फोर थ्री प्लेयर्स क्लोज में टीम नंबर ट्वेंटी वहां पर है अशरफ ब्रेव स्पार्टन डिड आयरन लेकिन साइड टीम यो को नोक कर देंगे टीम रोक एक प्लेयर नो हो जाएगा स्मोकी क्लोज में आएंगे स्मोकी ने अब बहुत अच्छा नोक निकाला खुद काफी लोग हुए थे पीछे जाएंगे क्योंकि डी पी का स्प्रे चल रहा है या एक नोक हो जाएगा बदमाश जो का पीछे से यूएमी पता अपने प्लेयर को कवर फायर देते हुए और रियोगा कितनी देर में क्लोज करेंगे या डी पी ट्वेंटी एट उनकी चल रही है को नोक कर देंगे अशरफ सर्वाइवल डी पी बॉय यहां नोकर रियोगा क्लोज मैन एच फोर के एक और फाइट निकालती हुई ओपी एम ब्लेवा रियोगा स्मोकी गब्बर <coughs> सॉरी जोकर जहाँ वॉरियर इस फाइट से दूर था आई डोंट नो आई थिंक सो ऑफलाइन है है वहाँ पर लूट ले रहे हैं या लूट ले रहे हैं वो अभी के लिए अपनी शायद लेट उतरे थे बट रियोगा वहाँ पर दो नोक जो उनकी उस टीम के हुए थे एच फोर क्या उनको रिवाइवल इंस्टेंटली दे रहा है एट किल्स होते हुए एच फोर के सिक्सटीन टीम फिफ्टी प्लेयर्स अभी बचे हुए हैं टीम रो अपने प्लेयर को रिवाइव दे के इंस्टेंटली निकलती हुई वैनम से फाइट नहीं एंगेज कर रही है एक अली फाइट इंगेज नहीं कर रही है फिलहाल टीम नंबर टेन का एक सोलो प्लेयर जो इधर है मिसाइल अकबर वन लाइफ अल्फा का किल तो उन्होंने अदर साइड ले लिया सो एक नहीं दो प्लेयर्स हैं यहाँ लेकिन वहीं से टीम डी हो रहा था आई थिंक सो वो पहुंच so, चुका है अपने प्लेयर के बाद टीम टीजे रोटेट कर रही है जोन के अंदर एंड बाकी बात करो तो टीम बी टी एस आई एस सी एचपी टू पॉइंट कॉम्पीट करने के लिए बिग सिटी काफी टाइम से लूट कर रही है चल जाती है काफी टाइम तक फाइट की। काफी बड़ी सिटी है लूट ले लेती है टीम आराम से लूट करके निकल भी सकती है दो तीन टीम्स लेकिन फर्स्ट एयर्रोप आता हुआ जिसके अंदर ग्रोज़ा लेवल थ्री हेलमेट पैक के साथ एक गिली सूट आएगा रूइ के एरिया में ये एयरो में भी टीम रेज उसको लूट करने के लिए जा सकती है रेज कर्मा रेज हिटमैन रेज रेप एंड रेज सेफ चारों प्लेस लेकिन टीम रो आई है उसको लूट करने के लिए उनकी जस्ट पीछे से टीम ठंडर आ गई टीम वर्सेस ठंडस को किल आगोरी इस इस्टैनल ने ले लिया ठंडर वर्सेस रो नजर आ सकता है हमें रो आइए रोप लूट करने के लिए रो बोन ऑलरेडी काफी लो है लव ऑलरेडी काफ़ी लो है जी ड्राइव आई थिंक सो लव ही कर रहे हैं और लो काफ़ी है वो तो यहाँ कंपाउंड रुकने वाले हील करना चाहेंगे अपने आप को क्योंकि हील यहाँ पर रोटेशन के बीच फिटना एक थोड़ा बहुत ज्यादा बीटी हो जाता है तो ड्रॉप तो ये शायद से थंडर सी लूटने वाली है जी एयर मोबाइल फर्स्ट में भी थंडर सी लूट थंडर सी उसके काफ़ी करीब है 100 डेढ़ सौ मीटर दूर है मात्र जो ड्रॉप थंडर से लेकिन एक फ्लेयर ड्रॉप नज़र आ रहा है मुझे फ्लेयर मंगाई गई है किसी टीम की ओर से आई थिंक सो वो टीम बी या सी में से एक मेजर एजम ने हेरो को नोक कर दिया है पाशा रेहानी जलास में सर्वाइवल तो यहाँ रिवाइवल मिलेगा या क्लोज़ होगा मेज़र का वो देखना होगा इस्टैनल अपर साइड है पाशा रेहान अभी रिवाइवल देने के लिए गया नहीं है अब शायद से जाएगा इस्टैनल को रिवाइवल देने के लिए क्या टीम मेज़र क्लोज़ करने वाली है काफ़ी दूर थे यहाँ पे मेज़र एजम ने पाशा रेहान उनको रिवाइवल दे रहे हैं मेज़र ज्यादा क्लोज़ आ चुके हैं सवाल एंड एजम का आना बाकी <coughs> हीलिंग की कमी दिखती हुई यहाँ पे मेजर एजम के पास कोई भी अब एक भी ऐसा कुछ है नहीं हीलिंग का जो उनके पास हो फिलहाल जैद के पास देखी जाए तो उनके पास भी कुछ नहीं है हो गया बेटी फाइट हो जाती है टीम वर्सेस टीम रो की फाइट रो लव ने बोब का जामा को इंस्टेंटली नोक एंड फिनिश ऑफ डाल दिया फर्कस ऑलरेडी नोक एंड फिनिश ऑफ हो चुके हैं रोलव की ओर से एंड यहां से बोब एसर डी ओ पी अकेला प्लेयर बचा हुआ है क्योंकि डी एस आर के गए तो पी के जस्ट नीचे गिनेड है सर डी ओ पी इस गिनेड से लो नहीं होंगे और रिवाइवल डायरेक्ट पॉसिबल कर रहे हैं लेकिन रो लव ऊपर साइड आते हुए रिवेल देते हुए पकड़े जाएंगे एस आई डी ओ पी एक नॉक जरूर लेके गए थे बट एस ट्वेल्व के साथ एजन उनको लेके जाएंगे रो बोन एंड डेड भी दो प्लेयर्स फिनिश ऑफ कर दिए गए थे ऑलरेडी टीम बोप की ओर से टीम रो टू मैन स्क्वाड बचेगी फोर्टीन टू फोर्टी थ्री प्लेयर बचे हुए एड ऑफ नंबर फाइव फ्लेड ओप आता हुआ जो टीम जाएगा टी जे के खाते में एक फ्लेड ऑफ ओम ओ के साथ लेकिन सी एफ बी वर्स बी टी एस फाइट कंटिन्यू है एक प्लेयर बी टी एस ने अपना खो दिया है शायद से वो निकल भी सिटी से निकल भी गए विकल लेकर जोन बनता हुआ हमारा पूरा शूटिंग रेंज मिग सिटी जारकी का एरिया पकड़ता हुआ जोन पूरा एक हार्डशिप लेता हुआ पूरा सीधा का सीधा सी एच बी टू पॉइंट टो फेवर में जाता हुआ ये जोन फिर तो पाशा रैन एन स्टैनल दो प्लेयर्स हैं अपोनेंट में है टीम में के थ्री प्लेयर्स और या मेजर्स की भी हीलिंग की बात करो तो वाले के पास हीलिंग है बाकी जैद के पास भी पाँच बैंडेजेज़ हैं और एजम के पास कोई हीलिंग नहीं या जोन के अंदर है तो फाइट तो अभी चलने वाली है काफी लॉन्ग टाइम फाइट होने वाली है ये लेकिन साइड बात करो तो टीम नंबर ट्वेंटी के दो प्लेयर्स वहाँ सोलो प्लेयर है मिसाइल अकबर एम के पिक कर चुका है यानी कि फ्लेयर ओ मंगा चुका है सोलो प्लेयर ही बाबू ओपी एंड ये दोनों एक ही साथ खेलते नजर आ रहे हैं या मिसाइल अकबर एक अपर साइड में है और नीचे बैठा हुआ है बाबू ऊपर बाबू ओ पी है नीचे मिसाइल अकबर है सामने टीम नंबर के दो एंड रोए। के जोन में रोटेट कर चुकी है एच फर के वोरियर काफी लेट है रोटेट करते नजर आ रहे हैं पहले भी टीम के साथ अभी नजर नहीं आए थे हमें एक एक जो दो फाइट एक फाइट हाँ जो दोनों फाइट हुई है उनमें दोनों में ही नहीं थे वॉरियर फिलहाल वो रोटेट कर रहे हैं जोन के लिए कितनी देर में अपनी टीम को ज्वाइन करते हैं वो देखना होगा लेकिन टीम फोन एक अपना फ्लेट ओ मंगा चुके सॉरी टीजे ने जो फ्लेड ओ मंगाया था वहाँ पे फोन एक आ चुके फाइट लेने के लिए मजिशिया गब्बर स्टार हुए हैं मजीशिया काफ़ी क्लोज में फैक्टर है।, है उनके पास इसका मतलब ये उन्होंने ड्रॉप लूटा नहीं है तो लूट लिया बट मैजिशियन ने स्विच नहीं की फिलहाल मैजिशिया होल्ड करके पूरा बैठे हुए हैं ले लिया है टीजे गब्बर का ओपी ओम शॉट पड़ता हुआ जिस चीज के लिए जाने जाते हैं टीजे गब्बर ओपी स्नाइपिंग करते हुए नजर आते हैं स्टार बॉय थोड़ा क्लोज करते हुए लोड सामने मेडबुल हो चुके हैं पीछे से स्प्रे पड़ेगा होला किल कंफर्मेशन इंस्टेंटली मैजिशिया ले लेते हैं एक मिनट है टीम टीजे के पास और मेडबुल के फोन एक्स के पास इस फाइट को निकालने के लिए इन दोनों ही के पास जो भी निकालेगा फिलहाल लोड फोन एक्स को पड़ चुका है ओम का फटका फिर से गब्बर का इस बार

चुके हैं हीलिंग फिलहाल गब्बर के ऊपर एक मोलोटोल किया गया है बट वो मोलोटोल उनको पूरा डैमेज नहीं देगा है स्टार बॉय को रिवावल मिल रहा है स्टार बॉय भी रिवाव हो चुके हैं थ्री वी टू फाइट हो जाती है टीम फोन के पास एक अच्छा मौका था वो जो जो वन वी थ्री का वन वी टू हो सकता था लेकिन अब फिर से टू वी थ्री में है टीम लेकिन एक गिनेट आएगा मजिशिया के जस्ट ऊपर इंस्टेंटली पोजिशन चेंज करके अभी के लिए बचेंगे लोड फोन की ओर से तो वो गिनेट टीम टीजे वजी लोड फोन एक्स के लोडफो एक्स या गिनेट गया है मजिशिया ने क्लोज भी करते हुए मजिशिया वक्टर के साथ बट नोक हो जाएंगे ए के एम के साथ लोडफोन एक्स की

थर्टीन टीम थर्टी नाइन प्लेयर्स बचे हुए हैं टीम फोनिक्स का डुओ ने एक अच्छे तरीके से टू वी थ्री निकाल दिया होला के फिनिश होने होन, फिनिश ऑफ होने के बाद अभी के लिए मेजर से फाइट कंटिन्यू रहने वाली है मेजर वर्सेस टीम नंबर टेन रेंज स्टैन एंड पास आ रेहान <coughs> ना, प्रोनाउन होके पूरा होल्ड करे हुए हैं पास आ तो एक पोजिशन पूरा होल्ड कर रखी है उन्होंने इस लूट कर रहे हैं एंड पूरा यहाँ पर होल्ड करे हुए हैं टीम में जो उनके जस्ट पीछे से आ गई या बाहर निकलना चाहते शायद से एजम उनको स्पोर्ट कर ले मेजर एजम सामने जाते हुए स्पोर्ट कर सकते थे बट काफी लेट उन्होंने वहाँ पे देखा भी नहीं अभी तो देखा भी नहीं मेज़र के सवाल साले जैद एंड एजम ये तीन प्लेयर्स हैं डी मेज़र के लिए फिलहाल तो पासा रेहान पहुंच चुके हैं अपार्टमेंट साले जिस पोजीशन में शायद से वहाँ से नोक हो जाए पासा रेहान की ओर से वहाँ नोक डाल दिया जाए सी यहाँ पे एम फोर है उनके पास वेक्टर है उनके पास बट रेहान का अलग ही ध्यान है रेहान स्पोर्ट होंगे मेज़र सवाले की ओर से उल्टा मुझे लगता था पासा रेहान उनको स्पोर्ट करके नोक डाल सकते हैं फिनिश ऑफ डाल सकते हैं फिलहाल पासा रेहान जो नोक हुए हैं इंसानी फ्री शॉ मेज़र सवाले की ओर से डाल दिए जाएंगे स्टैनल

लॉन्ग रोटेशन आता हुआ ये टीम वैनम का काफी लॉन्ग रोटेशन आ रहा है फार्म का एरिया से स्कूल के होते हुए रोजोक से सीधा सवर्नी जोन पहुंच चुके हैं न्यू जोन हमारा बन चुका है जो बोन जोन पूरा विक सिटी रहने वाला है सी एच बी का ड्रॉप रहने वाला है वो ये जोन टीम बी टी या जो पीछे जाके झारकी की कंपाउंड्स से बैठी थी वो वहीं पर होल्ड करेगी टीम रेज जो बिग सिटी का स्क्वाड हाउस होता है वहाँ पे रही है और टीम सी एच बी शायद उस स्क्वाड हाउस को लेने के लिए आई है और वो पीछे रुक गई यहाँ शायद से स्पोर्ट कर ली उन्होंने टीम दैट्स वाई यहाँ पे सी एच बी वेजी टोपी रुके हैं स्पेन यहाँ स्पोर्ट कर चुके हैं एम टू फोर चलती हुई रे रेंज के लैपटॉप ओपी को एम24 पड़ती हुई और रेस सैफ को भी काफी लोग किया है शायद से टीम रेंज के ऊपर क्लोज इन आ रहा है यहां हिटमैन शायद से रिवाइवल देते नजर आएंगे सैफ हील कर चुके हैं टीम सीएचबी भी यहाँ से क्लोज कर रही है और दो प्लेयर्स कंटिन्यू मार रहे हैं टीम सीएचबी के प्लेयर्स को और यहां क्लोज आता हुआ जी हां बिल्कुल रे सैफ का क्लोज आता हुआ रे सैफ यहां खुद भी खाएंगे काफी रेस

प्री इंडियट्स जा रहे हैं रेस सेफ को कर्मा रिवाइवल दे रहे हैं और रेस सेफ रिवाइव तो हो चुके हैं हीलिंग कर पाएंगे कि नहीं वो देखना होगा सी भी यहाँ पर अंदर एंट्री लेती हुई मशीन गन के साथ सी एच बी वेजीटोपी की मशीन गन चलती हुई गंदी वाली मशीन गन चलाते हुए दो तो नोक दिए हैं फिनिश साइडों भी दे दिए

टमैन देख सकते थे। स्ट्रेंज को पूर्व को यहाँ पर नोक दिया हिटमैन ने एक अच्छा नोक काफी यहाँ पर एक बेहतर नोक दिया स्पोर्ट कर लिया उनको गिरनेट को करते हुए पूर्व को स्ट्रेंज ऊपर आ रहे हैं और स्ट्रेंज की एंट्री होती हुई हिटमैन एक और नोक देते हुए बैक टू बैक थ्री नोक्स आकाश हो भी जलाजमिन सी एच बी के लिए आकाश अकेला प्लेयर बचा हुआ है एटमैन पूरा पैशनेट गेम प्ले दिखाता हुआ लास्ट प्लेयर एंट्री लेता हुआ एटमैन के पास एक स्कारल के साथ आकाश ओपी बचेगा यानी कि मिस होता हुआ यहाँ पे वन वी फोर ऑलमोस्ट रेज हेटमन का एक ओपी ट्राई लेकिन मेजर एजम यहाँ पे मेजर इजम और सवाले दो किल्स कन्फर्मेशन टीम रोके लेते हुए के साथ एक किल मिलेगा सवाले को एक किल मिलेगा एज्म को टीम एच फोर के वर्सेज वैनम होता हुआ वैनम सैजी ने एच फोर के स्मोकी को नोक किया है टीम वैनम वर्सेज स्मोक एच फोर के क्या क्लोज इन करने वाली है टीम वैनम एक नोक के बाद स्मोकी नोक हुए हैं शायद से वहाँ पर जोकर उसको रिवावल देने का ट्राई करेगा टीम एच फो के बाकी दो प्लेयर्स भी आते हुए इस फाइट में करते हुए लेकिन सैजी आ चुके हैं अपनी बग्घी लेकर एक थोड़ा सा फ्लैंक पोजीशन में एक वी... अपना कवर बनाकर स्मोकी को रिवावल मिल रहा है अभी के लिए तो टीम एच फो के, के रियोगा एंड वॉरियर अपर साइड आ चुके हैं सैजी की पोजीशन में देखा जाए तो सैजी की ओर से डी बी चलाते हुए नजर आ रहे हैं जो कि नॉर्मली आते नहीं है सैजी डी चलाते हुए साध वाला काम वैनम सैजी आज कर रहे हैं फिलहाल स्मोक की तो हो चुके हैं रिवाइवल लेकिन स्पोर्ट कर लिया गया है यहाँ पे बदमाश जोकर को वेनम सैजी की ओर से डीपी का स्प्रे पड़ेगा इंसानी प्रोन हुए हैं ये प्रोन होना पूरा सामने उनको दुख देगा सैजी उन्हें नोक देंगे इंसानी फिनिश शोप भी डाल देंगे टीम वाइनम अपना पहला किल उठाती हुई सॉरी दूसरा किल उठाती हुई नॉर्मली पहला किल एच फोर के की ओर से उठा दे रियोगा काफी लो है बैंडेजेस अपने आप को लगाते हुए नजर आ रहे हैं वो वहां पर दो फर्स्ट फर्स्टेज उनके पास है टीम वैनम के प्लेयर्स क्लोज इन तो शायद से काफी आगे आ चुके हैं वैनम सैजी कि मैंने एच के स्मोक ही वहाँ से निकल रहे हैं अपनी व्हीकल लेकर बग्गी लेकर अपनी जा रहे हैं पीछे की और रियोगा एंड वॉरियर क्या यहाँ से फॉलो बैक करने वाले हैं जी वॉरियर भी निकलते हुए अपनी बग्गी अपनी यू लेकर रियोगा भी के लिए शायद से यहाँ पर मेरे हिसाब से फंस चुके हैं जी हाँ रियोगा की व्हीकल भी यहाँ पर डैमेज है काफ़ी और निकलना शायद से यहाँ से मुश्किल होने वाला है योगा के लिए अगर वैनम के प्लेयर्स को स्पोर्ट हो जाते हैं तो लेकिन सहजियाँ पीछे जा चुके हैं तो टीम वैनम भी शायद से ये फाइट ज़्यादा क्लोज नहीं लेना चाहती वॉरियर आए हैं उनको पिक करने के लिए मशीन जाने योगा के पास और टीम वैनम्स के चुंगल से अभी के लिए निकल चुकी है टीम सॉरी टीम एच के यहाँ से मेजर ब्रिज कैम कर रही है जी नहीं ब्रिज चेक कर रही है ये कैंप नहीं होता फिलहाल मेजर ज्यादा आगे जा रहे हैं मेजर वाले भी जा रहे हैं आगे मेजर एजमी वीकल उनके पास अभी तक है नहीं क्योंकि जोर पुल उठा था उसके बाद स्मॉल सिटी उन्होंने लिया रोप एंड उसके बाद सीधा जोन में रोटेट नाइन टीम्स ट्वेंटी थ्री प्लेयर्स हैं यहाँ पर टीम सी एच भी थ्री मैन स्क्वाड के साथ अभी होल्ड करेगी एक ओपिट रहा था टीम एच के हिटमैन का वो फिलहाल तो दो प्लेयर्स जो एक साथ खेलते नजर आ रहे हैं टीम टेन का प्लेयर एंड एक टीम डी ओ का प्लेयर टीम फोन एक्स का डो भी जोन में आया था बट अब उसको फिर से जोन पकड़ना है 48 एट सेकेंड बार हमारा जोन स्टार्ट हो जाएगा लेकिन टीम थंडर्स की बात करो तो सेवन किल्स उनके पास हैं थंडरस के एरिया एम टू फोर चलाते नजर आ रहे हैं बैटबॉल को लगातार यहाँ पर एम टू फोर का शॉट दिया था लेकिन पड़ेगा नहीं टीम बी टी एस टीम एच फोर के टीम थंडर टीम फोन एक्स टीम सी एच बी टीम वन टीम मेजर एंड टीम डी और ये हमारी नाइन टीम्स होती हैं जो है फिलहाल जोन में क्लोज़ कर रही है टीम थंडर शायद से वो अपार्टमेंट कॉर्नर वाले अपार्टमेंट लेना चाहेगी टी एस सेवन टी डी पहुँच चुके हैं सॉरी सुब्स पहुंच चुके हैं स्पोर्ट लिया था प्लेयर्स का दैट्स वाई वो थोड़ा और पीछे जाते हुए न्यू जोन हमारा ऑन द वे जल्दी नज़र आएगा हमें क्योंकि पंद्रह सेकंड बाद जोन चल जाएगा तो न्यू जोन भी नजर आएगा फिलहाल एच फोर के भी जोन में रोटेट कर रही है शायद से वो गड्ढे वाले घर या रिच पकड़ रही है अभी के लिए तो रिजी पकड़ना चाह रही थी बट सी एच बी थोड़ा पीछे आ गई जहाँ स्क्वाड हाउस उन्होंने छोड़ दिया एक रोटेट कर दिया लेकिन एच छोड़ करके प्लेस व्हीकल उनके फंस चुकी है फंसेंगे यहाँ पर सी एच बी अपू अपी रियोगा को करेंगे नोक रियोगा शायद से यहाँ से दूर थे रियोगा नोक हुए आई थिंक सो फिश ओपी हो जाएंगे क्योंकि बग्गी से शायद से वो उनका बग्गी भी उनका फंस चुका था नोक है अभी के लिए स्मोक के जरिए जरिए वहां पर जाना चाहेंगे तो अभी स्पोर्ट कर सकते हैं आकाश ओपी लेकिन उनका ध्यान दूसरी ओर था व्हीकल्स की दो प्लेयर्स का, आना, वोरियर का, और स्मोकी का इतना नहीं था। यहां, स्मोकी आते अपनी अपनी गन पीछे रखकर रियोगा के पास रिवाइवल यहाँ पर दिया जाएगा टीम सी एच बी इन आई स्ट्रेंज कर रहे हैं यहाँ वॉरियर अभी स्मोक करते हुए कंटिन्यू आगे जाने का ट्राई करेंगे वॉरियर के ऊपर आ रहे हैं यहाँ से अभी के लिए देखना होगा वॉरियर स्मोक करके पीछे का अपार्टमेंट पकड़ने का ट्राई आई थिंक सो मुश्किल ही है सी एच बी का स्प्रे पड़ सकता था बट लेट्स फोर्ड इट लेट्स वाई यहाँ पर आप यहाँ से एच के जोन पकड़ लिया है न्यू जोन हमारा बन चुका है न्यू जोन की बात करो तो पूरा बिग सिटी जोन रहने वाला है हाफ पानी के अंदर है और हाफ बिग सिटी में है तो यहाँ से तो फाइट में मज़ा आने वाला है क्योंकि ये सारी अपार्टमेंट की फाइट्स काफ़ी लास्ट तक मेरे हिसाब से काफ़ी टीम्स या प्लेयर्स अलाइव रहने वाले हैं यच फोर की बात करो तो वो एक पीकल विकल्प है मेजर सवाले का गिनने टीम थंडर्स के यस को लेके जाएगा टीम मेजर फाइट ले रही है फिर से थंडर्स के साथ और एक नोक किया था टीम मेजर के सवाले ने एंड क्लोज भी करते हुए मेजर ज्यादा एंट्री फ्रे कर जाते हुए आज अपनी एंट्री के लिए एंड टीम थंडर्स के प्लेयर्स जो अपर साइड यहाँ पर शायद से रिवावल मिल रहा है उनको माइम की डी ट्वेंटी एट बर्थ मैक्स को लेके जाएगी एंड टीम थंडरस प्लेयर्स के जो नोक हुआ था वो रिवाइव हो चुका है टीम मेजर का क्लोज इन आता हुआ एंट्री फ्र यहाँ पे एक नोक देते हुए बैक टू बैक लेकिन एक को वो खुद भी नोक आ जाते हैं फिलहाल मेजर एजम जो थोड़ा लेट है ग्रोजा के साथ यस ने उन्हें नोक दिया था शायद ग्रोजा से ही मेजर एजम के साथ वन वीमन रहने वाला है अभी के लिए या एंट्री लेते हुए वो मेजर जैद को रिवाइव देने का ट्राई करेंगे साले फिनिश ऑफ हो चुके हैं नेट भी को कर लिया गया है की ओर से प्रिकेट नेट के रूप में एक नेट डाला गया है ताकि वो अपने प्लेयर को रिवाइवल दे दें <coughs> उस नेट के चलते रिवाइवल तो मिल जाएगा इधर जैद को भी रिवाइवल मिल जाएगा तो अभी के लिए टीम थन्दस से फाइट चाय टू बहुत दूर है तो दैट्स तो वाइट टू बी टू ही होने वाला है टीम इधर के लिए काफी प्री किनेट्स के रूप में किनेट्स जा रहे हैं थंडर्स के की ओर से और जोन के अंदर है टीम मेजर बीच सारी टीम जोन के अंदर है नो टीम्स हमारी जोन के अंदर है और ये बिग सिटी का जोन काफी दिनों बाद बनता हुआ लेकिन सैसी की डीपी ट्वेंटी एट सी के फ्रेंच को लेकर जाएगी बाबू वो भी अपने बाबू वो भी एक प्लेयर को फिनिश ऑफ करते हुए जिनके साथ वो खेल रहे थे या आठ टीमें बची हैं और आठों की आठों हमारी इसके अंदर है यहाँ ढंडस का भी चाय टू आ गया था फिर वैनम के सहज ही सीधा पुशिंग करते हुए या यहाँ सीधा एक उन्होंने अपार्ट पकड़ने का ट्राई किया क्योंकि ऊपर स्ट्रेंज को नोक किया था उन्होंने सी एच बी के स्ट्रेंज को वैनम के बाकी प्लेयर्स भी इंस्टेंटली आते हुए टीम सी एच बी अपना यहाँ फुटप्रिंट तो कंटिन्यू दे रही है आकाश ओपी भी होल्ड करे हुए हैं पूर्व ओपी भी वो क्लोज कर चुके हैं पूर्व ओपी तो क्लोज कर चुके हैं मैन के ही भी आते हुए चाय तो यहाँ पे जोशी ओपी बी के नोक कर दे लेकिन सी एस एम एंड सुब्स का गिनेट जाएगा वैन फैजान नो हो जाएंगे आकाश ओपी की एम की ओर से शायद सफनी शॉप डालने का ट्राई भी रहने वाला है बट फैजान इंसेंटली कवर में जाकर नोक हुए एच फोर किसमो की साइड आकाश ओपी को नोक करेंगे टीम मेजर का खत्मा होता हुआ टीम गिनेट्स के साथ ही नोक एंड फ्री शॉप डाल दिया लेकिन फैजान का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जोन उनको कंटिन्यू काटेगा लेकिन बच चुके हैं अभी के लिए तो रिवाइवल यहाँ मिल जाएगा जी हाँ एक सही टाइम पर अगर एक बीच में कवर के रूप में जोन के उसमें आ जाता है एक शेक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है सॉरी वोकन वोक बॉल लेकिन सी एच बी के दो प्लेयर्स प्लेयर साढ़ जो नोके हैं इस रेंज का गिल कन्फर्मेशन इस मोकी को मिलता हुआ एंड आकाश ओपी को भी एच ओके के, के प्लेयर्स से नहीं नोक किया था तो उनको भी उनका किल मिल जाएगा जी आकाश ओपी प्लेजोन से नोक हुए थे रिवाइव हो गए होंगे दर्श भाई प्लस सी एच बी या पूर्व ओपी लास्ट प्लेयर है एच फोर के और ये मोलोटोल इन्होंने दिया है और वॉरियर को सपोर्ट भी किया है दर्श भाई या पूर्व ओपी उनको नोक करेंगे और शायद से मोलोटोल से फिनिश हो एक ओपी पी यहाँ पर एक अच्छा एक लेवल यहाँ पे एक मोलोटोल का दिखाते हुए पूर्व ओपी मैडम के माइम को सपोर्ट किया है उन्होंने पूर्व ओपी ने काफी लो दिया है छ किल्स होते हुए टीम सी एच बी टू सी एच बी के सात टीम्स सोलह प्लेयर्स लेट्स सी हु गेट अ चिकन डिनर इन दिस गेम टीम फोन एस का डो जोन में है एच फोर के ऑलमोस्ट जोन के अंदर है टी एस क्योंकि थंडर्स भी है वैनम जोन पकड़ना चाहती है नीचा पाट आ चुकी है और दसरा टीम आ, टीम बी टी एस एंड टीम थंडर्स का एक प्लेयर और एक टीम डी का प्लेयर सोलो प्लेयर्स की बात करो तो यहाँ दो प्लेयर सोलो है टीम डी के बाबू ओ पी एंड टीम सी एच बी के अपूर्व ओपी और बाकी बात करो टीम की थंडर्स के थ्री प्लेयर्स हैं फोन के दो हैं एंड वैनम के पूरे तीन हैं और रे एच फोर के भी दो हैं और बी टी एस के तीन हैं एंड वैनम की पूरी स्क्वाड है सॉरी तीन बाबू वर्थ मैक्स को नोक करेंगे और क्लोज करने से पहले ही टीम एस के जो सीओपी ने उनका किल कंफर्मेशन ले लिया। लूट भी ले, ले लेंगे पहला किल टीम बी को मिलता हुआ फाइट तो पहले भी सी के साथ ली थी उन्होंने जोन पकड़ चुकी है टीम वैनम भी अभी के लिए सिक्स टीम्स फिफ्टीन प्लेयर्स स्टिल ए लाइव सिक्सटीन फिफ्टीन प्लेयर्स बचते हैं हमारे जोन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट अभी के लिए तो सारी टीम जोन के अंदर है जी एच फोके के प्लेयर्स को दो मीटर दूर जोन में जाना है योगा को दो मीटर जाना है वो पहुंच चुके हैं अभी नेक्स्ट जोन की बात करो तो 24 मीटर बन चुका है दूर यहाँ से शायद सी एच बी या वैनम के साथ फाइटिंग एज होगी या फोन के प्लेयर्स की सहजी बहुत ज़्यादा लोग हैंट्स वाई हील कर रहे हैं वैनम के दो प्लेयर्स नोक हो चुके हैं सहजी जस्ट बस में हील कर रहे हैं टीम फोन के प्लेयर्स के मैडम वैनम फान को नोक दिया सैजी को दूसरी साइड से ही पढ़ रही है दैट्स दरसवा यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए लॉड फोन सामने ही आते हुए सैजी के यहाँ पूरा होल्डिंग गेम चलता हुआ सैजी अकेले बचे हुए हैं आई डोंट नो किस साइड से एंट्री ली जो ऊपर आके बैठ गए टीम फोनिक्स के लॉर्ड फोनिक्स एक्स एंड मेडबुल दो प्लेयर्स ने बहुत अच्छे तरीके से ये तीन किल्स अपने नाम किए शायद से एक किल एच फोर के को बीस में मिला है नाइन किल स्मोकिंग को नोक किया गया था वो रिवाइवल मिल चुका है सैजी अकेले प्लेयर बचे हुए हैं सिक्स टीम्स बची हैं जिसमें सैजी अकेले हैं लेकिन जोन के अंदर है ये अकेले तो हैं बट जोन के अंदर हैं वो एक अच्छी सिचुएशन है इनके अकेले प्लेयर के लिए सी एच बी के प्लेयर अपू वो पी जोन के अंदर नहीं है तीस सेकेंड बाद उन्हें जोन जाना है टीम बी टी एस जोन के अंदर है अपार्टमेंट कवर है टीम फोन एक्स जोन के अंदर है एस फोर के, के डुओ को भी जोन आना है उन्नीस मीटर दूर है वो जोन से रियोगा की ओर से स्मोक किए जा रहे हैं फिलहाल चाइट टू जो शायद अपनी टीम ज्वाइन करना चाहते थे वो वहाँ पे फंस चुके हैं या नोक हुए इंस्टेंटली फिनिश ऑफ डाला गया सी एच पूल देखा देखने को मिलती हुई रियोगा यहाँ अभी भी जोन में नहीं है वो लेफ्ट से उनको अभी भी वाली है, स्मोकी जोन करेंगे, रियोगा तो ऑलमोस्टर आता वो जो रियोगा के जस्ट मुंह पे गिरेगा फोनिक्स की ओर से कैम का स्प्रे भी आया था नोक होते हुए रियोगा गेट नोक डाउन एंड स्मोकी शायद खुद भी काफी लो है यहाँ पर एक खतरनाक मूव जोन बहुत काटने वाला है जोन पकड़ना होगा रही और स्मोकी को रिवाइव होते हैं स्मोकी पीछे की ओर जाते हुए थिंक सो जोन से जाने वाले हैं अभी के लिए ब्रोकन पकड़ लेंगे स्मोक हो रखा है दैट्स यार टू प्लेयर्स फंसते हैं टीम एच फोर लेकिन तीन ठंडर्स फंसती है नजर आएगी जोन काटने वाला है उनको फिलहाल सी एच में पूर्वी का किल के प्लेयर लेते हुए थंडर्स के ऊपर जोन आके रुक गया भाई क्या ही पोजिशन है थंडर्स का आता हुआ टीम इसके ऊपर लास्ट जोन एट्थ जोन बन चुका है हमारा और फाइव अभी भी जिस चीज की मैं बात कर रहा था कि लास्ट तक टीम्स काफी नजर आने वाली हैं हमें एट्थ तो जोन है फाइव टीम्स हैं जिसमें एच फोर के बी टीम थंडर्स एंड टीम वन वैनम के सहजी अकेले क्या ही पोजिशन लेके बैठे हुए हैं जोन अभी भी उनके ऊपर है यही बैठे बैठे चिकिन ना हो जाए कहीं यानी हम कह प्लेयर्स सैजी का दो फर्स्ट एड है यानी कि यहाँ अकेला ही प्लेयर है हिल बैटल का तो नहीं हो रहा भी लेकिन यहाँ से मेडबुल को पड़ेगी टीम थंडर्स का प्लेयर्स अपर साइड से जंप कर कर सीधा मेट पुल को नोक यानी साइडोक डालता हुआ और लोडफुल्स अकेला बचा हुआ एच फोर के स्मोकी होता था साइड टीम मुश्किल डालेगा उधर दूसरी साइड जो प्लेयर टीम वी टी एस के जोइन करना चाहते थे स्मोकी ने एक नोक दिया है Then, उसके बाद वो जोन कवर करेगा रियोगा एक जोन के अंदर एक घर के अंदर एक घर के अंदर थ्री टीम्स है भाई चार टीम्स हैं है ऑलरेडी एक ऊपर है ओ भाई एक घर के अंदर चार टीम्स ऑलमोस्ट लास्ट जोन हमारा स्टार्ट हो जाएगा इस जोन के बाद अभी तो हमारा न्यू जोन बनने वाला है शायद से यहाँ बी टी एस जोशी अभी को यस नो करेंगे अपनी रोज़ा के साथ जोन क्लोज हो रहा है क्या हमारा ये लास्ट जोन है अभी के लिए तो नहीं होने वाला लास्ट जोन मेरे हिसाब से अरे भाई खराब मत हो जियो हो गया भाई हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया फाइव टीम्स नाइन प्लेयर्स और कंटिन्यू बीटी नेट का चालू हो चुका है। वेनम सेजी के ऊपर शायद से एक मोलोटो लाया है भाई भाई भाई, भाई लास्ट टाइम पे मत हुआ कर यार दो मिनट और चल जाओ भाई बस फोर जी आ रहा है अच्छा खासा यार फिर भी समझा कर भाई यार बात को समझा कर प्लीज़ फोर के टीम थंडर्स। और कौन है चिकन कौन लेगा स्मोक किया गया है यानी वो होल्ड करना चाहते हैं शायद से लास्ट जोन भी हमारा जल्दी ही नजर आने वाला है जिसमें चार टीम्स टीम हमारे पास छह प्लेयर्स हैं इन चार टीम्स में वैनम के सैजी सोलो हैं लॉर्ड फोनिक्स के लिए सोलो हैं एच फोर के, के दो प्लेयर्स हैं रियोगा एंड स्मोकी रियोगा के पास फर्स्ट एड नहीं है स्मोकी के पास दो फर्स्ट एजिज हैं एंड फोनिक्स के पास भी कोई फर्स्ट एड नहीं है और टीम थंडर्स के पास आठ फर्स्ट एड सुब्स के पास है यानी कि हील के लिए सुब्स आने वाले हैं ये तो कंफर्म है हील बेडल के लिए सुब्स आने वाले हैं और मेरे हिसाब से चिकन भी सुब्स का आने वाला है अगर कोई बीटी सिचुएशन ना हो तो लॉर्ड फोनिक जो कि सोलो है घर के नीचे एक मिडिल साइड में है जी थ्री भाई मोस्ट फनीस्ट गेम और मोस्ट क्या ही गेम है भाई ये क्या ही बोलूँ मैं इसको भाई पांच टीमें थी अभी यहाँ पे पांच टीमें आठ नौ दस प्लेयर लेकिन अभी की बात करो तो चार टीम्स हैं आठ प्लेयर्स हैं रियोगा आए हैं एक मोलोटो नेट्स के लिए एक गिनेट डाला है उन्होंने लोटोस गिनेट बट वो पड़ेगा नहीं किसी भी प्लेयर को कंटिन्यू रहने वाली है अभी के लिए तो भाई ये फाइट ला नेक्स्ट जोन हमारा लास्ट जोन डेथ जोन कितनी देर में स्टार्ट होने वाला क्या वो टीम फोन का लोड फोनिक्स होगा जो चिकन दिलाएगा या वैनम का सहजी होगा या टीम फोन सॉरी थंडर्स के लिए यश या, या सुप्स होगा या एच फोर के, के लिए री होगा और स्मोकी होगा लेट्स सी किल्स की बात कर लेते हैं एच फोर के पास नाइन किल्स हैं वैनम के पास टू किल्स हैं टीम थंडर्स के पास फोर्टीन किल्स हैं और फोन एक्स के पास सिक्स किल्स हैं या चिकन डिनर की बात करो तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो टीम थंडर्स पे मुझे दिख रही है क्योंकि उनके पास आठ फर्स्टेजिज हैं और वो हिल बैटल में काफ़ी मदद देंगी उनको और आठ फर्स्ट एजिज वो किल्स भी काफ़ी अच्छे फिलहाल सोलो है वेनम से एंड फोनिक्स के भी लोड फोनिक्स सोलो हैं सुर्खियों के दो प्लेयर्स हैं बट तो हिल बैटल के लिए नहीं जा सकता कोई भी प्लेयर दो फर्स्ट एजिज से आठ फर्स्ट एज से जिसका सामना नोट है इजी आ फिलहाल डेड जोन शुरू हो चुका है टीम्स उसी के साथ क्लोज कर रही हैं अभी के लिए मिड जोन भी पकड़ना चाहेंगी बहुत सी टीम्स टीम यहाँ पर लॉर्ड एक के साथ फाइटिंग है जो थी रियोगा के कर... सैजी ने रियोगा को नोक किया है और शेजी शायद से फर्स हील बैटल के दो फर्स्ट एड है उनके पास उसके लिए जाने वाले हैं जी हाँ ठंडर रियस लेकिन प्ले जोन से नोक हो जाएंगे सुब्स और सैजी के बीच फ... ये होने वाली है फाइट हील बैटल की लेकिन सुब्स के पास है फर्स्ट एड ज़्यादा दैट्स वाई यहाँ पे प्ले जोन से सैजी जाते हुए दूसरी फर्स्ट एड भी शायद लग नहीं पाई टीम थंडर स्केटर चिकन डिनर जिस चिकन डिनर की मैं बात कर रहा था पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी लेट यहाँ पे फोर्टीन किल्स के साथ टीम थंडर्स की चिकन डिनर लेते हुए ओपी पी गेम लेवाई यस सुब चिम चेतु सेकेंड पोजिशन पर वैनम आती हुई थ्री किल्स के साथ थर्ड पोजीशन पर मैच फोर के आती हुई नाइन किल्स फोर्थ पोजिशन पर आती थी फोर विद सिक्स किल टीम बी आती थी टू किल्स के साथ फिफ्थ पोजिशन एंड सी एच भी आती सेवन किल्स सिक्स पोजिशन डी ओ मेजर एंड ऑल भाई क्या ही गेम हुआ है ये तो क्या ही गेम